बुलंदशहर में आरएलडी उम्मीदवार मनोज गौतम ने ही अपने भाई विनोद गौतम और उसके दोस्त सचिन की हत्या करवाई थी। मनोज गौतम को खुर्जा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में यह पता चला है कि चुनाव में जनता की हमदर्दी जीतने के लिए मनोज ने अपने भाई की हत्या करवा दी। आपको बता दें कि मंगलवार को जैसे ही एक खबर आई कि आरएलडी उम्मीदवार मनोज गौतम के भाई की हत्या हो गई है, तो यूपी की खुर्जा पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। लेकिन जांच के बाद खुर्जा पुलिस ने यह खुलासा कर दिया कि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि खुद मनोज गौतम है। दोनों डेड बॉडीज हमें यहाँ बाग के इस आम के बाग में मिली है और काफी दूर इनकी ये गाड़ी भी पार्क्ड है, जो घटनाक्रम हम लोगों को समझ में आ रहा है। चलकर आए हैं, पैदल चलकर अंदर तक आए। हम लोग अपने टेक्निकली जो हम लोगों को सर्विलेंस के तौर पे करना है, हम लोगों ने वो BTS वगैरह ले लिया। बहुत जल्दी इसका खुलासा किया। हमारी कल रैली थी खुर्जा में, पॉलिटेक्निकल कॉलेज में हमारी रैली थी। रैली के बाद से ही हमने सोचा ये सवारी वगैरह रैली में जो आए हैं इनको छोड़ने के लिए ऑफिस वॉफिस पे जा रहा था। ऑफिस पे आया, ऑफिस के बाद में फिर इसका पता नहीं पड़ा कहाँ है। ऑफिस से फिर देखा जरूर था हमने, ये इसको पता नहीं पड़ा कहाँ किसके साथ गया किसके साथ नहीं गया। किस किस की हत्या की गई है यहाँ? एक ये विनोद है, एक सचिन है, सचिन लड़का है।